हल्ला की तो छोड़ो, हमको तो लगता है ना हमारे पुलिस थाने के भी भाग फूट गए। एक को संभला नहीं जा रहा था, अब दो। Yes, this is the future. VR, यानी कि virtual reality. अगर आप लोगों की लैंग्वेज में कहूँ तो वास्तविक परिकल्पना है भी और नहीं भी. Okay. Let me show you. ये तो आत्मा जैसा है. ये क्या बवाल है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. हाँ? गई? गई गई? आ गई. 24 hours available for your company. एक तरीके से कहे तो आपकी आइडियल वाइफ या गर्लफ्रेंड, इसे किसी भी पर्सनैलिटी के साथ इजीली मर्ज किया जा सकता है. एक तरीके से कहे तो अपनी ड्रीम गर्ल के साथ आप कहीं पे भी वेकेशन पे जा सकते हैं. अरे Karishma Singh. Karishma Singh. अब तुम्हारा हम वो हालत करेंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुम सा नहीं देखा. Karishma Singh. आज तक हमारे हस्बैंड ने हमको उनके मनपसंद कपड़े पहनने का जिद नहीं किया और ससुरा तुम हमको नचवा दिए. क्या आज तक आपने आपके पति के मनपसंद कपड़े नहीं पहने, उनकी फीलिंग्स की, उनकी इमोशंस की, या फिर वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपने कभी उनकी कोई परवाह नहीं की. ब्रिलियंट मैम, ब्रिलियंट. तो आपके पति को मेरे इस ऐप की बहुत जरूरत है. हमको तो लगता है आज ये करिश्मा के हाथों मरेगा. कि आपके जैसे अकड़ू बीवियों के सताए हुए मर्दों के लिए तो मैंने अपना ये ऐप बनाया. तो मैडम सर उसको रोकिए वरना वो जान ले लेगी उसकी. करिश्मा सिंह. मैडम सर, बात जब तक आपके जज्बात की थी हम उसे ऑर्डर समझ के निभाते रहे, पर आज बात हमारे ऊपर आ चुकी है. आज हम इसका वो हालत करेंगे ना कि ऐप से तो क्या तुम मोबाइल से भी दूर भागोगे. तुम करिश्मा. अब किस बात का इंतजार है मैडम? आप भी यहीं, मैं भी यहीं और मीडिया भी यहीं है. आप हार चुकी है तो आप पूरे मीडिया के सामने इस बात को कबूल कर लीजिए कि मैं जीत चुका हूं और मेरा ये ऐप बीवियों से ज्यादा एफिशिएंट है. करोड़ों की पब्लिसिटी भी मिल जाएगी. तजुर्बा कहता है हमारा, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अंत तक हार नहीं मानती. और अभी हमारी आजमाइश तो बाकी है. 24 घंटे पूरे नहीं हुए. नो प्रॉब्लम मैडम, आज की पूरी रात है आपके पास, क्योंकि कल दोपहर होते ही पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मैं अपने ऐप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाला हूं. गुड लक. क्या हुआ? इतनी को परेशान हो रही हो तुम? अरे ये मोंटी का टुच्चा है, बीवी बदली कर सकता है, तुम्हारी जैसी बहू नहीं। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, एक ही हो तुम। वो कहते ना वन पीस। देखो हम डरा नहीं रहे तुमको, मगर एक बात कहते हैं, कभी कभी ना अपने पति की बात मान लेने में कोई बुराई नहीं होती, बल्कि अपना ही फायदा होता है। तुम्हारे ससुर जी स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह, उनको ना हमको लाल साड़ी और लाल लिपस्टिक में देखना बहुत पसंद था, और हम भी उनके लिए एकदम वैसे ही तैयार होते थे। बस फिर क्या, हमारे लिए अपनी मैया से भी लड़ पड़ते थे। तो आपका मतलब है कि आपकी छुट्टी करने के लिए हमें आपके लल्ला का दिया वो मिनी स्कर्ट पहनना पड़ेगा? आप लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं। कचू खावे की इच्छा आ रही है? खाएंगी कचू? नहीं, थैंक यू। सोना जी देखिए, बहुत रात हो चुकी है, आप प्लीज घर जाकर आराम कीजिए। अब मेरे नसीब में आराम कहाँ है मैडम? सोच रही हूँ भगवान के घर चली जाओ। क्या आप ये क्या बोल रही हैं? इतनी सी बात के लिए आप आत्महत्या तक पहुँच गई? मंदिर जाने की बात कर रही हूँ, जाओ अब प्लीज। थैंक यू, टेक केयर। तो मैडम सर क्या करना है? मुर्गी अंडा देने वाली है, ऑमलेट बनाना है या भुर्जी? भुर्जी भुर्जी। चलिए भुर्जी मैं खवाऊंगा आपको, जूस भी पिलाऊंगा, ठीक है? मैडम सर ये जो है वो खबर की बात कर रहा है कि खबर छापे कि नहीं छापे। एक बात बताओ सनी, तुम सिर्फ एक खबर के लिए हमारी डील को खराब कर दोगे? वो क्या है ना मैडम सर, खबर खबर पे डिपेंड करता है, और ये खबर ब्रेकिंग न्यूज है, और मुझे पर्सनली लग नहीं रहा कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत घटिया इंसान है तुम, बहुत ही ज्यादा। पर अब क्या करें, मार्केट में हम ही चल रहे हैं, ऑडियंस को हम ही पसंद आ रहे हैं, और वैसे भी घटिया से ज्यादा ईमानदार लोग बचे ही कहाँ हैं? कुछ ही तो रह गए, और उन्हीं में से एक हम हैं, भरोसे लायक। बाकी आपकी मर्जी। एक मिनट सनी, पुष्पा जी आप यहाँ हैं? बदनाम एक चाय देना। क्या हुआ? पुष्पा जी आपको एक बात बतानी थी। अमर देखो वैसे भी हमें हमारा सर घुमा हुआ है, और परेशान मत करो हमको, जाओ यहाँ से। अच्छा मतलब जो आप बोलते हो लखनऊ महिला पुलिस सदैव सेवा में तत्पर, वो सब झूठ है, फरेब है। बदनाम भाई ये देखो लखनऊ पुलिस। ठीक है बताओ तुम। फिर शुरू से शुरू करता हूँ। हाँ मेरे दादाजी बहुत बड़े शिकारी थे, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े, इतने बड़े कि आप सोच भी नहीं सकते। हम आगे भी तो बढ़ो। चिड़िया और कबूतर नहीं मारा करते थे, शेर, बाघ, चीता ये सब मारा करते थे। एक बार ऐसे निकल गए रात को शिकार पे, अंधेरी रात, घना जंगल, हाथ में बंदूक, घने जंगल में चले जा रहे हैं। हाँ आगे बोलो। फिर आया एक मोड़। हाँ खतरनाक मोड़। फिर क्या मुड़ गए? फिर मुड़ते एक शेर। फिर क्या, शेर घुरे दद्दा को, दद्दा घुरे शेर को, फिर दद्दा घुरे शेर को, शेर घुरे दद्दा को। आगे 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 क्या हुआ? कुछ देर ऐसे घुरमघारी चलती रही, फिर एकदम आंखें लाल हो गई। शेर की नहीं, दद्दा की। फिर क्या, दोनों पंजों की बल नीचे। दद्दा नहीं, शेर। फिर पूंछ खड़ी हो गई। दद्दा की नहीं, शेर। और नीम लंबी छलांग। दद्दा नहीं, शेर ने। फिर क्या, सीधा जबड़े में। दद्दा के जबड़े में नहीं, शेर के जबड़े में दद्दा। फिर क्या, रबड़ का शेर थोड़ी था, फाड़ के खा गया दद्दा को। तो तुमको रिपोर्ट लिखवानी है जंगल की, दद्दा की या शेर की? अरे नहीं, रिपोर्ट बोर्ड नहीं, मैंने उधर से देखा आप चाय पी रही थी, मैं भी खाली था, सोचा थोड़ा टाइम पास कर लूं। अम्मा चलता हूँ खुदा खुदा हमको परेशान किए ना तो फाड़ के खा जाएंगे तुमको शेर की तरह। गुड मॉर्निंग। उठा ना। उठ तो गया। पैर उठा। ओह सॉरी। गुड मॉर्निंग। ओह किरवारी। गुड मॉर्निंग मैडम। सूझा कोई तरीका मेरे ऐप को हराने का? नहीं ना? शक्लों पे लिखी आप लोगों की कि जीत मेरे ऐप की हुई है। हार चुकी है आपकी हसीना मैडम। बुलाइए उनको। चलिए। और न्यूज़ को भी बुलाइए न्यूज़ चैनल वालों को भी। शर्त के मुताबिक उन्हें अपनी हार माननी है और मेरे एप्लीकेशन का प्रमोशन भी करना है। तेरा वो ऐप को बोलो ना दो चाय ऑर्डर करी है। हाँ वो सनी चड्डा के बारे में मुझे सोचने दे। क्या कल तो ऐसा बोल के गया था ना कि मेरे ऐप का ना अपना प्रमोशन करेगा अपनी न्यूज़ चैनल में। देखने दे मुझे। अरे वो चड्डा सिर्फ बोलता है करता कुछ नहीं। अरे देखने दे ना। ऐप जरा प्लीज शो मी टुडेज हेडलाइन न्यूज़। श्योर सर हियर इज योर हेडलाइन न्यूज़। कुदरत का कहर या फिर इंसानी गलती। जी हाँ जो भी आप कहें लेकिन इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं दा 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 करके जलती एक बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का जर्रा जर्रा आग की लपटों में घिर चुका है। सब कुछ राख हो चुका है लेकिन किसी भी इंसान को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची है। ये तो मेरी बिल्डिंग है। हाँ, ये मेरी बिल्डिंग है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ी लैब थी और उस लैब के मालिक थे मॉन्टी शर्मा। जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मॉन्टी शर्मा की ये लैब थी जो खुद भी एक इंजीनियर है लेकिन अब ये लैब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है जल चुकी है डिस्ट्रॉय हो चुकी है और बर्बाद भी हो चुकी है। आग 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 आग। अरे ये फोन क्यों नहीं लग रहा यार? मुझे क्या पता। अरे रुक। आग 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 पुष्पा जी आग। चुप रहे। मैम प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए। अरे ये चाबी से खुलता है ऐसे नहीं खुलेगा। मैडम प्लीज दरवाजा खोलिए मुझे जाना प्लीज। शांति शांति प्लीज मुझे जाने दीजिए मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैडम प्लीज प्लीज खोलिए इसे प्लीज। हम ऐसे कैसे आपको जाने दें? अभी आपकी शर्त खत्म होने में कुछ घंटे बाकी हैं। अरे भाड़ में गई शर्त। मैडम मैडम बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैडम मुझे बाहर जाने दीजिए। लोगों ने करोड़ों इन्वेस्ट किए मेरे इस प्रोजेक्ट पर। मुझे नहीं पता कि मैं उनका ये पैसा कैसे भर पाऊंगा। मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा? मैडम मैडम प्लीज मुझे जाने दीजिए मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आई एम फिनिश मैडम प्लीज प्लीज मैडम प्लीज मुझे जाने दीजिए मैडम। देखिए मिस्टर मॉन्टी बिल्डिंग में आग लग के 4 घंटे हो चुके हैं। अभी तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा राख हो चुका होगा। अब जाने का क्या फायदा? इनफैक्ट अब आप ये सोचिए कि अब क्या कर सकते हैं। हाँ मैडम अब क्या हो सकता है प्लीज टेल मी। हम कैसे बता सकते हैं? आप ऐप ज़रा से पूछिए उसके पास कोई सलूशन जरूर होगा। मैं ऐप ज़रा से पूछ लेता हूँ। हाँ ऐप ज़रा तुम्हें मालूम है ना क्या हुआ है? कम ऑन टेल मी। यस सर मुझे मालूम है। अरे ठीक से बात करो ऐसे टाइम पे कोई ऐसे बात करता है? यस सर मैं जानती हूँ कि आपकी लैब में आग लगी है और पूरी लैब बर्बाद हो चुकी है। अब आप ये ऐप कभी लॉन्च नहीं कर सकते। अरे खुशखबरी नहीं है ये। बुरी खबर तो सलीके से दे मनुष। चल बता अब इस पोजीशन में मुझे क्या करना चाहिए? आपको इन्वेस्टर्स के 10 करोड़ लौटाने हैं सर। आपके बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी और बाकी इन्वेस्टमेंट्स के आउटपुट के हिसाब से आपके पास इस रकम का 2% भी नहीं है। आपके मार्केट ट्रैक रिकॉर्ड पर कहीं से भी आपको 2.5 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं मिल सकता। यानी आप कुछ भी कर लें आप इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं लौटा सकते। सॉल्यूशन दे मुझे इसका सॉल्यूशन। अब आपके पास 2 ही सॉल्यूशंस हैं सर। पहला जिंदगी भर के लिए जेल चले जाएं। Hey! और दूसरा सुसाइड कर लीजिए। मरे हुए लोगों पर दुनिया का कानून लागू नहीं होता। बर्बाद हो गया मैडम, मर जाऊंगा। I'm finished, मैडम, I'm finished। मैं बर्बाद हो गया मैडम, मैं बर्बाद हो चुका हूं। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। So I'm finished। मैं बर्बाद हो चुका हूं। तुम कब से हार मानने लगे मोंटी? मैंने तो तुम्हें हर परेशानी से जूझ कर उसे हराते हुए देखा है। और रही बात नुकसान की, तो घर और ज्वेलरी बेचकर हम कुछ पैसे लौटा देंगे। और पापा की भी जमीन है ना, हम उसे बेच देंगे, हमें वक्त मिलेगा। तुम कोशिश करते रहो, एक नया प्रोजेक्ट खड़ा करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हूँ और रहूंगी। Because I love you, Monty। Sorry, I'm sorry। देखा मिस्टर मोंटी, ये एक चीज है जो सिर्फ बीवी कर सकती है और कोई ऐप नहीं। प्यार, भरोसा, कमिटमेंट, सिर्फ एक बीवी ही है जो हर हालत में आपके साथ खड़ी रहती है। सही गलत, अच्छे दिन बुरे दिन, इन हेल्थ इन सिकनेस, हर हालत में आपके पास पत्थर की तरह खड़ी रहती है। खुद पूरा दिन भूखी प्यासी बैठी रहेंगी ताकि आपकी लंबी उम्र का व्रत रख सके। एक बीवी है जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं आपको रोता हुआ देखकर। एक बीवी है जो आपके बच्चों की माँ कहलाने का हक रखती है, कोई ऐप जरा नहीं। मैं समझ गया मैडम, मैं बिल्कुल समझ गया। मेरा ऐप रिश्ता तो बना सकता है, इन रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकता। चलो सर, नए तरीके से शुरुआत करते हैं। सब कुछ नए तरीके से प्लान करना पड़ेगा। मिस्टर मोंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी आंखें खोलनी थी, आपको आपकी बीवी की अहमियत का एहसास दिलाना था, इसलिए हमने खत्म कर दिया अब ये नाटक। एक मिनट, ये नाटक क्या? हाँ नाटक, तुम्हारा कोई लैब ऐप नहीं चला है। ये तो हमारे संतू का कमाल था जो उसने कंट्रोल रूम में बैठ कर ये ग्राफिक्स के जरिए कर दिया। और ये सनी भाई साहब, इनकी मेहरबानी की इन्होंने हमारा साथ दिया। डील डील। ये सब कुछ मैडम सर के कहने पे हुआ है। ये है जो जज्बात का बात करती है हमेशा, नहीं तो हमें परमिशन मिला होता ना तो बहुत जल्दी सुलटा देते। यस मिस्टर मोंटी, आपकी ये ऐप, आपका फोन, आपका नेटवर्क, सब कुछ हमारे कंट्रोल में था। थोड़ी देर पहले आपने जो कुछ भी सुना और जो कुछ भी देखा वो हमने ही किया था। अब क्या है ना, आपने हमें टेक्नोलॉजी का नमूना दिखाया तो हमने भी सोचा एक छोटा सा नमूना हम भी दिखा देते हैं। थैंक यू मैडम, मुझ जैसे इंसान की आंखें खोलने के लिए शायद ये बहुत सही तरीका था। और रही बात मेरे ये ऐप की, ऐप जरा की, तो दिस प्रोजेक्ट इज ओवर कंप्लीटली फॉर एवर। थैंक यू सो मच मैम, मेरा घर बचाने के लिए। ऑल द बेस्ट। चले सोना। ए बिल्लू चल बाहर आ, इधर आ। क्या हुआ? कल बहुत मजा किया ना डांस करके? हाँ चम्मा चम्मा। निकलो, अभी हो गया तुम्हारा सजा खत्म, चलो निकलो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे सजा खत्म? नहीं, मुझे अंदर ही रहना, मुझे बाहर नहीं जाना है। और वैसे भी मेरा कोई ऐप लॉन्च नहीं हो रहा है और मेरा लंच भी नहीं हुआ है। एक कंटाप मारेंगे ना, टिप्पा खा के बाहर गिरोगे। निकलो यहाँ से। मैं वापस आऊं, मैं वापस आऊं। बिल्लू कभी नहीं सुधरेगा। वैसे तो हम भी अपनी लाइफ में पहली बार डरे हैं। हमें तो ऐसा लगा था हमारा वाइफ का पोस्ट तो गया, वो तो धन्यवाद हमारी सासू माँ का जिन्होंने हमें हौसला दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दोस्ती हो गई, समझी ना आप? वापस घर जाकर वही होना है। आपको जानबूझकर दाल जलानी है ताकि हमारा लल्ला आपको बाहर खाने पे लेके जाए और हम सुबह की बनी हुई बासी खिचड़ी घर में खाए, है ना? ना मतलब क्या है आपका कि हम जानबूझकर दाल जलाते हैं? ये जो सफेद बाल दिख रहे हैं ना आपको, वैसे धूप में नहीं सफेद हुए हैं। सफेद रहने कहाँ दिए आपने अपने बाल? वो काला डाई मार मार के पूरा बुढ़ापा छुपा दिए अपना। हाँ तो जो भी हो ना, हमने भी हमारी जवानी में ऐसी बहुत सी दालें जलाई हैं अपने ससुराल में। देखिए, हमसे तरीके से बात कीजिए आप। यहाँ पे आप भी हमसे तरीके से बात कीजिए, समझी ना? सबके सामने हमारे सफेद बालों के बारे में बात कर रही हैं आप। ये मत भूलिएगा, आप यहाँ पे सीनियर है मगर घर पर हम आपके सीनियर हैं। हाँ, घर का बात घर में ही रहने दीजिए। बस बस बस। सनी, थैंक यू, एहसान रहा तुम्हारा। जब भी मौका मिलेगा चुका देंगे। बहुत जल्दी मौका मिलेगा क्योंकि अब ये लेन देन तो लंबा चलने वाला है। करिश्मा सिंह जी, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं। हमारे काम करने के तरीके की वजह से आज आपके पर्सनल इमोशंस को चोट पहुंची, लेकिन आप मोंटी को घूसा मार के अपना गुस्सा तो निकाल लेती, लेकिन उसकी सोच नहीं बदल पाती, और वो करना बहुत जरूरी था। I hope you understand. जी मैडम सर। मैडम सर, आपने एक बार फिर प्रूव कर दिया यू आर जीनियस। ये तो बनता है। ये आप सबकी मदद के बिना इम्पॉसिबल था। सो आप लोगों के लिए भी For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.